नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शामली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी में खाप पंचायतें हरकत में आ गई हैं। कल मुजफ्फरनगर में हुई थी महापंचायत। सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करेगी खाप पंचायतें। गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक बैठक करेंगे। चौधरी राजेंद्र मलिक खाप चौधरियों से मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शामली से बता रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर पश्चिमी यूपी में खाप पंचायतें हरकत में आई हैं। पंकज मलिक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, पश्चिमी यूपी की हम बात कर रहे हैं, खाप पंचायतें जो हैं अब सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगी, क्या कुछ अपडेट देंगे? तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाप पंचायतें अब सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगी। चौधरी राजेंद्र मलिक खाप चौधरियों से मिलेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी यूपी में हरकत में आए हैं खाप पंचायतें। पंकज मलिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, किसानों के बीच मध्यस्थता करने के लिए खाप पंचायतें अब हरकत में आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट देंगे? ना, मैं आपको बतवा दूं, जो जिस प्रकार राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर भावुक हुए थे और उसके बाद जो है उनके जो बड़े भाई हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने महापंचायत का ऐलान मुजफ्फरनगर में किया था, जिसके बाद महापंचायत में राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हुए थे। उसके बाद जो है खाप पंचायतें भी हरकत में आई है और गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि जो सभी खाप चौधरी हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाएगी और मीटिंग के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार जो है किसान यूनियन से बात कर और सरकार से बात कर इस जो पूरे प्रकरण कृषि कानून को लेकर किसान यूनियन और सरकार के बीच चल रहा है उसकी मध्यस्थता की जाए और इसे निपटाया जाए, ताकि जो 26 जनवरी में जो मामला हुआ था उसे सभी ने देखा है और वो सभी के सामने स्पष्ट है और इस प्रकार का टकराव दोबारा से न हो। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।